सिनेमा में विलन की एक अलग ही अहमियत होती है। हीरो भले ही अच्छाई के रूप में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ले, लेकिन विलन की क्रूरता के बिना हर फिल्म अधूरी रहती है। 80 के दशक में आने वाली फिल्मों में एक विलन की खूब डिमांड रहती थी। यहाँ तक कि आज भी फिल्मों में विलन का किरदार लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिक ईरानी की, जो कि पुराने समय के मशहूर विलन थे। इनके सामने हीरो भी फीके लगने लगते थे। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। बेशक लोग इन्हें नाम से नहीं पहचानते होंगे, लेकिन तस्वीर देखते ही जरूर कह उठेंगे, अरे ये तो वही बिल्ला है। सुभाष घई की फिल्म हीरो में निभाए बिल्ला नाम के विलन के किरदार ने मणिक ईरानी को एक नया ही नाम दे दिया था। हालांकि इससे पहले मणिक ने और भी फिल्मों में विलन के किरदार निभाए थे, लेकिन उन्हें नई पहचान मिली फिल्म हीरो से। मणिक ईरानी का अपना ही एक अलग अंदाज था। उनका लुक ऐसा था कि कोई भी देखकर डर जाए, और उस पर मणिक की जानदार डायलॉग डिलीवरी। स्क्रीन पर मणिक के आते ही दहशत फैल जाती थी। लोग उन्हें ऐसे देखते थे कि मानो जैसे किसी सुपरस्टार को देख रहे हो। मणिक ने साल 1974 में गुंडे के किरदार से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने काली चरण, त्रिशूल, मिस्टर नटवरलाल, शान, कसम पैदा करने वाले की जैसी कई फिल्मों में काम किया। सुभाष घई की फिल्म काली चरण में मणिक ने पूरे गूंगे विलन का रोल प्ले किया, और इसमें वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब भी रहे। इस तरह मणिक ईरानी ने 80 और 90 के दशक में विलन के रोल पर राज किया और अपना खौफ कायम रखा। लेकिन ये खौफ अचानक ही धूमिल हो गया जब मणिक ईरानी ने शराब के नशे में खुद को ही डुबो लिया और एक दिन इस दुनिया से चल बसे। मणिक ईरानी की मौत कैसे हुई किसी को भी पता नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं ये भी कहा जाता है कि मणिक ईरानी ने आत्महत्या की, लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं। इतना जरूर सच है कि मणिक ईरानी को अब फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से भूल चुकी है। ग्लैमर की दुनिया का यही सबसे बड़ा कड़वा सच है। यहाँ तब तक लोग आपको सलाम ठोकते हैं जब तक आप सफलता के आसमान में चमकते हैं, लेकिन ढलते ही लोग आपको भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।